गया था बस में, तो होपफुली अगले आधे पौन घंटे में मैं भी पहुँच जाऊँ। बहुत थकान हो गई है बिकॉज 6 घंटे से बस में बैठी हूँ और आधा 1 घंटा बचा हुआ है, तो लेट्स सी दूर पहुँच के कैसी हालत में मैं रहती हूँ, एक्सप्लोर कर पाऊँगी नहीं आज मैं रेस्ट करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी स्टेटमेंट। तो यार मैं पहुँच गई बीर, और अभी बीर बस स्टॉप से एक और बस लेकर मुझे ऊपर बीर टाउन में जाना है, तो बहुत तेज़ धूप लगी थी बीर में जहाँ पे मैं उतरी थी, बस स्टॉप के ऑपोजिट में भोजनालय करके ये होटल है, तो इसमें मैं फटाफट आई, मैंने आलू पराठा और एक चाय ऑर्डर की, मुझे फटाफट खाना है और फिर मैं बस स्टॉप जाऊँगी। जो यहाँ की लोकल बस है टिकट 10 रुपीज़, वो बस लेकर मुझे फटाफट से बीर टाउन जाना है। बहुत भूख लग रही थी पर मैंने सोचा भाई खा कर ही चलते हैं, तो मिलते हैं बस के अंदर। हेलो देयर, तो फाइनली मैं बीर पहुंच चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, आई नो आई लुक स्टूपिड बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस ये प्यारा सा नज़ारा, सनसेट, मॉनेस्ट्री, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी एंड बीर। सो स्टे ट्यून्ड, अभी फटाफट से मुझे फ्रेश होना है और एक कैफ़े जाना है क्योंकि वहाँ से कहते हैं कि सनसेट बहुत प्यारा दिखता है, तो लेट्स सी अगर मैं कैच कर पाती हूँ सनसेट को, और नहीं भी तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही टहल के आ जाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। हे देयर, गुड मॉर्निंग। सो द थिंग इज़ लेट मी कंटिन्यू, कल शाम को सनसेट देखने का प्लान था बट वो हुआ नहीं क्योंकि मुझे फ्रेश अप होने में टाइम लग गया था एंड सिंस यहाँ पे विंटर है तो सनसेट जल्दी होता है, तो फिर बस मैं ऐसे ही टहलने निकल गई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोई घूमा नहीं, कुछ कुछ जगह देखी। एक ठेले पर बर्गर खाया, नॉट द प्रॉपर इंग्लिश बर्गर बट द छोला टिक्की वाला बर्गर, इट वॉज रियली नाइस, 30 रुपये में। मैं उस जगह दोबारा जाऊँगी, तो कल रात को क्योंकि काफ़ी अंधेरा था एंड काफ़ी सारी जगह मैं शूट नहीं कर पा रही थी अंधेरे के कारण, मैंने कुछ शूट नहीं किया, इसीलिए मैं आपसे अभी डायरेक्टली सुबह में बात कर रही हूँ। तो आज का सीन यार ये है, पहले तो मुझे अपना स्टे फिगर आउट करना है जो मैं कर रही हूँ, तो शाम तक उसी में मैं लगे रहूँगी। अभी वैसे यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अहुज करके जो टॉय ट्रेन स्टेशन है वो है, अभी मैं वॉक करते हुए वहीं पर जा रही हूँ क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है कि टॉय ट्रेन की टाइमिंग क्या है, क्योंकि सीन ऐसा है कि यहाँ पे टॉय ट्रेन की टाइमिंग क्या है किसी को कुछ फिक्स पता नहीं है ठीक से, और ना ही ऑनलाइन में ठीक से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अभी क्योंकि 12 बज रहा है मैं फटाफट से चले जाऊँगी, 2-3 किलोमीटर ही है, सो आई प्रेफर वॉकिंग, और मैं टॉय ट्रेन की टाइमिंग देख लेती हूँ, अगर टॉय ट्रेन है तो शायद मैं उसमें घूम भी लूँगी बट अगर नहीं है तो मैं उसकी टाइमिंग पता कर वापस आ जाऊंगी और फिर मैं अपना स्टे फिगर आउट करूंगी। एक बार मेरा स्टे का सब सॉर्ट हो जाता है, मैंने सुबह बैठकर लिस्ट भी बना ली है मुझे बीर में कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि कौन से दिन मैं कौन सी जगह एक्सप्लोर करूंगी एंड फिर उस हिसाब से मैं घूमने निकलूंगी और फिर मैं कॉन्टेंट बनाऊंगी और आप फिर मेरे साथ घूमोगे, सो दैट्स द प्लान। तो देखते हैं, अभी फिलहाल मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, मुझे धीरे चलना कोई खास पसंद नहीं है अनलेस बहुत ही ज़्यादा चढ़ाव हो, जहाँ पे सांस फूल रही है वहाँ पे मैं अपने आप धीरे हो जाती हूँ, बाकी अभी क्योंकि मैं स्टेशन जा रही हूँ और रोड सीधी है तो मैं फटाफट चल रही हूँ ताकि फटाफट पहुँचूँ और फटाफट वापस और स्टे का फिगर आउट करूँ। तो स्टे ट्यून्ड, आज का जो भी प्लान है जो जैसे भी आज का दिन जाता है मैं आपको बताते रहूँगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं हिमाचल में कुछ टाइम के लिए हूँ और मैं कंटेंट आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप भी हिमाचल को मेरे थ्रू देखें और आप भी अपने घूमने का प्लान बनाएं। ढाई किलोमीटर की वॉक हो गई है और 650 मीटर्स जाना है एंड मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई कांट बिलीव माउंटेन्स में टॉय ट्रेन में बैठने मिलेगा, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। डैम, आई कांट बिलीव माउंटेन्स के अंदर एक टॉय ट्रेन स्टेशन है जो इतना प्यारा है
लेट मी शो यू अराउंड, मेरे पीछे देखो, एकदम गाय, छोटे छोटे बच्चे रे एंड ट्रीज विद ऑल दोज ड्राई लीव्स, एकदम सुंदर लग रहा है बहुत। एंड मैं गेस कर रही हूँ कि वो जो वहाँ पे है दैट्स द स्टेशन, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। वैसे ट्रैक्स मुझे दिख गई, ये जो इस तरफ ये पेड़ है इसके पीछे जो दिख रहा है वहाँ पे ट्रैक्स है। अब बस टाइमिंग पता करते हैं और फिर आज नहीं तो कल या परसों में कभी भी टाइम के अकॉर्डिंगली मैं आ जाऊँगी और डेफिनेटली ये टॉय ट्रेन राइड मैं करके रहूँगी इस बार। स्टेशन में कोई है, इट्स ऑल लॉक्ड, बुकिंग विंडो भी बंद है, टाइम टेबल दिया हुआ है, लेट्स सी। ओके नेक्स्ट ड्यू, ओके समझ ही नहीं आ रहा कुछ, टाइमिंग्स क्या है, लास्ट इंस्पेक्टेड नेक्स्ट ड्यू, ओके यहाँ पे भी नहीं है, ओके टाइम टेबल लेट्स सी। टेन ट्वेल्व, अच्छा 10:10, देन 7:01, ओके 7:45, 12:35, आई एम गेसिंग आई जस्ट मिस द ट्रेन। और ये है स्टेशन के नाम, जोगिंदर नगर यहाँ से आधी घंटा दूर है, चौंचा बाहित्री बैजनाथ पापरोला माजेरन बहुत सारे हैं। एंड ओके ठीक है, लेट्स आस्क, यहाँ पे कोई दिख रहा है? वैसे स्टेशन तो बहुत ही प्रिटी है यार, इट्स वेरी प्रिटी, दो लोग हैं कोई, उनसे पूछती हूँ। हाय अंकल, अंकल ये ट्रेन कब आती है? कहाँ जाना आपको? मुझे टॉय ट्रेन में बैठना था। सवेरे 8:00 और उसके बाद? कोई गाड़ी नहीं है। बस एक ही है? एक ही गाड़ी है। 8:30 आती है? सवेरे। और वो कहाँ तक जाती है? पठानकोट। पठानकोट, पालमपुर? पालमपुर भी जाएगी। और बैजनाथ? बैजनाथ भी जाएगी। यहाँ से तो बैजनाथ यहाँ से आगे है या पीछे? आगे है। आगे ही है, पालमपुर से पीछे। और बाकी दिन कौन सी ट्रेन आती है फिर यहाँ पे? पटरोला से ही है, जो गाड़ी है ना आगे ना, नॉर्मल गाड़ियाँ चलती होगी, पटरोला से यहाँ से की गाड़ी है। अच्छा, ये स्टेशन बड़ा सुंदर है वैसे। कितने साल पुराना है अंकल ये? तो बहुत रेंजो टाइम के बारे में। अच्छा ये स्टेशन है, यहाँ रुकती है गाड़ी। Wow, such a beautiful station. तो यार अभी अभी पता चला है कि टॉय ट्रेन सुबह 8:45 आती है, सो ऑब्वियसली आज का चांस तो खत्म हो गया, आज मैं टॉय ट्रेन में नहीं बैठ पाऊंगी। बट स्टिल आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि मुझे ये प्यारा सा स्टेशन देखने मिला, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, स्टेशन बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत पेड़ है, काफ़ी खाली है ये स्टेशन, लोग हैं नहीं तो इसकी सुंदरता और बढ़ गई क्योंकि नेचर ही नेचर दिख रहा है। तो बाकी अंकल ने बताया कि 7:45 सुबह आती है टॉय ट्रेन, तो बस अब मैं किसी भी एक दिन प्लान करके सुबह 7:45 आ जाऊँगी ताकि मैं टॉय ट्रेन का सफ़र कर पाऊँ। और काफ़ी सारे स्टेशन से होके गुजरती है ये टॉय ट्रेन, जैसे कि पालमपुर पठानकोट वहाँ तक भी जाती है, तो लेट्स सी यार किस दिन मैं प्लान करूँगी ये जर्नी, और जिस भी दिन करूँगी मैं बता दूँगी आपको। बाकी वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली यहाँ पे टॉय ट्रेन चल रही है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं उसमें बैठ पाऊँ। तो टॉय स्टेशन से मैं निकल गई और आई थिंक 1 किलोमीटर चल के आ गई हूँ मैं। अभी
मैं जा रही हूँ गुनेहर वैली। ये मेरी लिस्ट में से एक जगह है जो काफ़ी सुंदर है, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास 3-4 घंटे टाइम है तो क्यों ना एक और जगह एक्सप्लोर की जाए। तो गुनेहर वैली के पास एक वाटरफॉल भी है, बाकी तो उधर पहुँच के देखते हैं, पर वो यहाँ से 5.5 घंटे दूर है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, सीधे रोड पे चलना होता है तो बहुत फास्ट चलती हूँ, अभी चढ़ाव है तो बैंड बच रही है, पर ठीक है धीरे 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 5.5 किलोमीटर चल लूँगी और शायद रास्ते में लिफ्ट मिले तो लिफ्ट भी ले लूँगी। बाकी रास्ते के नज़ारे आपको दिखाते रहती हूँ, देखते रहना और फिर गुनेहर वैली एक्सप्लोर करते हैं। किधर तक जा रहे हो? चौहान छोड़ दोगे? कहाँ बैठूं? हाँ मैंने बस कहा कि मैं लिफ्ट ले लूंगी और मुझे ट्रैक्टर में लिफ्ट मिल गई। अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। उनका नाम था राकेश कुमार जैसे, बहुत अच्छे भैया थे, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ यहाँ की ठंड के बारे में और बस ऐसे ही कि मैं कहाँ से आई हूँ वगैरह वगैरह। बस 5 मिनट के लिए, मतलब उन्होंने अच्छा खासा है, आई थिंक 2 किलोमीटर आगे छोड़ दिया मुझे। तो बस अभी दोबारा वॉक कर रही हूँ और देखते हैं आगे।